मात्र 75 करोड़ में यह हाल है तो वहाँ तो 21 अरब की बात है। कुछ आप भी को सुधारना पड़ेगा, कुछ विभाग भी सुधरेगा, कुछ हम सुधरेंगे तब तो जाके कल्याण होगा। मात्र 75 करोड़ में यह हाल है तो वहाँ तो 21 अरब की बात है। सूची की कौन लोग नहीं भेजे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चला गया पैसा, बचा कहाँ है? और जब नहीं माने तो मैं लगभग 50 विधायकों के पास गया। हम लोग गए 50% उसमें कह दिए कि बाद में देखेंगे, अभी चुनाव है, अभी हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं, ये समय नहीं है, तो कहाँ से होगा। 5, 7, 8 विधायक सेक्रेटरी को फोन किया और दबाव बनाया, लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, हम लोग से अच्छा संबंध है, उस व्यक्ति को खड़गे जी के साथ दिल्ली में बैठक में फोन गया तो उस व्यक्ति ने उठा लिया और वो डायरेक्ट हॉटलाइन से बात किए सेक्रेटरी से और जब कस के डांटे और ये कहे कि जो काम खाली मुख्यमंत्री कहेंगे वही आप लोग करिएगा, तो मैं मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ, सरकार हम पर भी है और मैं अभी मुख्यमंत्री के पास जा रहा हूँ। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर सर हम संचिका भेज देंगे। 12 दिन के बाद रात दिन उन पर फोन हो रहा था, हम लोग दबाव बनाए, फिर हम स्वयं जाके हम लोग मिले तो कहे कि नहीं भेज देते हैं, आप लोग उम्मीद मत रखिए कि हम फाइल रोकते हैं, हम फाइल रोकते नहीं हैं, बहुत कुछ कहे। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन पेमेंट जाएगा, 27% में भी उन्होंने आश्वासन दिए, कहा कि कार्मिक को मैं भेज दिया हूँ, कार्मिक को चला भी गया, कार्मिक में फाइल बढ़ रही है, अनुमोदन के लिए मंत्री के पास गया, उसमें भी कुछ पैसा काट दिए, फिर हुआ कजोड़े। मात्र 75 करोड़ में यह हाल है तो वहाँ तो 21 अरब की बात है। इसके बाद मंत्री के यहाँ गया और जैसे फाइल गई वो लातेहार में हम लोगों ने बात किया और तुरंत रात में 8 बजे का है अपना सारा स्टाफ के कि फाइल लेके आप लातेहार आइए और लातेहार गया और रात में ही फाइल अनुमोदन करके 11 बजे फाइल सच विभाग में भेज दिए उन्होंने। ये तत्परता उन्होंने दिखाया और फाइल आ गई और आने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी कर आज 1 बजे तक फाइल वित्त विभाग को चला जाएगा कि आज तक भी 3 जिला के लोग यूटिलाइजेशन नहीं भेजे। हम थक गए, मोर्चा के लोग थक गए, सरकार थक गई, आज फिर 11 बजे चिट्ठी जा रही है कि 2 घंटा के अंदर, मात्र 2 घंटा के अंदर जो डीओ नहीं भेजेंगे, सूची की कौन लोग नहीं भेजे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये हम करेंगे कि आपका दायित्व है। काहे हो जा रहा है मोर्चा जिम्मेवार, सब आज अब अनुदान भेजवा दीजिए तो पैसा ले लेंगे लेकिन उपयोगिता जमा नहीं करेंगे। कैसे होगा? कुछ आप भी को सुधारना पड़ेगा, कुछ विभाग भी सुधरेगा, कुछ हम सुधरेंगे तब तो जाके कल्याण होगा, आ नहीं न चलते रहेगा। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ और ये 2015 में 30 लाख पहले हम मिलता था, 2015 में 15 तक 2015 अनुमोदन करके 60 लाख किया गया था और 60 लाख के बाद महंगाई तो बहुत बढ़ गई लेकिन कोई बढ़ोतरी अनुदान राशि में नहीं हुई थी और बहुत दिन से हम लोग प्रयासरत थे
तो राजेश शर्मा के पहल पर डॉक्टर जो कमिश्नर थे हम लोग के सचिव महोदय तत्कालीन 2021 में, उन्होंने सुझाव दिया था कि मैंने टेक ओवर होना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन अनुदान बढ़ोतरी राज्य सरकार कर सकती है और अनुदान बढ़ोतरी में आप लोग लगिए। तो उनके सलाह से, एक तरह से उनके डायरेक्शन से हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों का मंत्री के अधिकतर चला गया, अनुमोदित हो गया। शिक्षक हैं आप लोग और लाभान्वित होंगे? लगभग 10,000 शिक्षक होंगे लाभान्वित। पहले क्या स्थिति थी और अब कितने, क्या कुछ इससे फायदा? देखिए, इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है, बहुत फायदा नहीं है। हाँ, ऊँट के मुँह में जीरा ही है। राज्य सरकार जब तक, हाँ, तब राहत मिलेगी। इस मान लीजिए 75% बढ़ जाएगा तो राहत मिलेगी। कभी ऐसा कोई सरकार, पिछली सरकार ने सोचा था क्या? अभी तक तो नहीं सोचा था। कैसे देखते हैं इसकी, इसके देखते हैं कि यह अच्छा पहल है सरकार का, सरकार का अच्छा पहल। क्या मांग करना चाहेंगे हम लोग? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है राज्य कर्मी का दर्जा, जो फाइल बढ़ा हुआ है, कार्मिक विभाग में लंबित है, उसमें भी हम लोग लगेंगे। उसमें भी इसे सचिव उमाशंकर सर ने एक अथी आसमारित किया है कार्मिक विभाग को कि आप इसको फिर से एक बार राज्य सरकार का दर्जा देने के लिए, शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ही एक प्रभाव। राज्य में कितना ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों का, क्या योगदान है आप लोगों का बच्चों के प्रति? बच्चों के प्रति 3.5 लाख बच्चे वित्त रहित शिक्षक पढ़ाते हैं। कहाँ कहाँ, कौन से स्कूल में? हाई स्कूल में और इंटर कॉलेज में मिला के करीब 3.5 लाख बच्चों को पढ़ाई देते हैं। मात्र कोई बहुत बड़ा इनको नहीं बढ़ने जा रहा है, 1600 रुपया पर छात्र बढ़ेगा और 3200 रुपया इनको सरकारी खर्च पर आता है पर मंथ। सरकारी कॉलेज, सरकार जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है तो उनको 3200 रुपया खर्च आता है, हम लोग को साल भर में 1600 रुपया खर्चा है। कोई बड़ा बढ़ोतरी नहीं है, किया जा सकता है, एकदम किया सकता है। ये दुर्भाग्य है कि यार अभी तक नहीं हो रहा था, ये 22 में हो गया था, 22 में ये संचिका बढ़ चुकी थी। शिक्षा मंत्री के फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, शिक्षा मंत्री बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को हम लोग। शिक्षा मंत्री के ही पहल से पिछले दफ़ा भी जो 30 लाख रुपया बढ़ा था, तो शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा योगदान था। शिक्षा मंत्री ने उसमें भी अनुमोदन कर दिया था, बाद में दूसरी सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन शिक्षा मंत्री के जो अभी शिक्षा मंत्री इन्होंने ही किया था उसमें भी। और शिक्षा मंत्री बहुत ही, शिक्षकों के प्रति इनका व्यवहार बहुत ही माने अतुलनीय है, इनको कहा जा सकता है। हम लोगों पर पहले कैसा फैसला देखते हैं जो कि चुनाव? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग चुनाव में भी योगदान देते हैं? हाँ, एकदम देते हैं। और शिक्षा मंत्री के चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री फिर लौट के आए और फिर से शिक्षा मंत्री बने और हम लोग को राज्य कर्मी का दर्जा इस बात दें। मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री भी आश्वस्त हैं आप लोगों पर? नहीं, मुख्यमंत्री का भी पहल है, मुख्यमंत्री का पहल, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था विधानसभा में, उसी पर यह शिक्षा राज्य कर्मी का दर्जा का फाइल आगे बढ़ रहा है। परिचय बताइए। संजय कुमार, इटकी कॉलेज में प्रिंसिपल है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।